पाकिस्तान की रियासत ट्रांजिशन में है। पाकिस्तान की रियासत इस तरह ट्रांजिशन में है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक नए इक्वेशन पार इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस नए पार इक्वेशन में जो सफर है वो हमें बदकिस्मती के साथ इजिप्शियन मॉडल की तरफ लेके जा रहा है, या अगर हम अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम शायद तारीख में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं और अय्यूब खान का अथॉरिटेरियन सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल की तरफ वापस जा रहे हैं। इसीलिए आप आज सुनते हैं, और यहां पे भी बात हुई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो रही है। और तीसरी जिस चीज को हमें मद्देनजर मेरे हिसाब से रखना होगा वो इब्तदाई जंग है जो सेंट्रिस्ट और फेडरलिस्ट फोर्सेस या माइंडसेट के दरमियान है। यहां पे इस बात को छोड़ते हुए मैं वापस जाता हूं जहां सना साहब ने बात की और आपसे मुख्तलिफ औकात में सवाल करके हाथ उठवाए, और यकीनी तौर पे जो उसका जवाब था वो ज्यादा हौसला अफजा नहीं था, लेकिन मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो हौसला अफजा हो भी नहीं सकता था, और वो इसलिए नहीं कि आप या पाकिस्तान के नौजवान पढ़ने में या लिखने में किसी से कम है, वो इसलिए है कि पाकिस्तान की रियासत ने ये सोचे समझे फैसला किया है कि पाकिस्तान के नौजवान को एक ऐसा प्रोटोटाइप सिटीजन पैदा करना है जो ना सवाल करे, ना उसको अपने हकूक के बारे में आगाही हो, और जो रियासत से पूछने के लिए जुर्रत ना रखता हो। और मैं ये बात मफरूजे पे नहीं कह रहा, मैंने सेनेट के अंदर, और मीर साहब को याद होगा और हमारे सेनेटर दोस्त को भी याद होगा कि हमने एक स्टडी कैरी आउट की थी, एक डिबेट सेनेट में हुई, पर हमने एक स्टडी कैरी आउट की और हमने इस मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर जो निसाब मैट्रिक में पढ़ाया जाता है उसका मुतालिया किया, एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज पेट्रिफाइड, आई वॉज बिविल्डर्ड, क्योंकि मैंने वो किताबें खुद देखी और खुद पढ़ी, और जब मैंने सिंध और पंजाब की किताबें पढ़ी और देखी तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि आज के इस दौर के अंदर
निसाब में ये चीज मौजूद है कि एक चैप्टर दो चैप्टर उसमें मौजूद हैं जो ये कहते हैं, या एक चैप्टर है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप, और दूसरा चैप्टर है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि 11 नुकात डिक्टेटरशिप की हक में है और 8 नुकात जमहूरियत की हक में है। ये निसाब है, ये आप मैट्रिक के तालिब इल्म को सिखा रहे हैं, इसको भी छोड़ो। तारीख का मुताला अगर आप करेंगे तो आप हैरान ज़दा रह जाएंगे। द क्वेश्चन ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, द क्वेश्चन ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, लिटरली इज एड्रेस्ड इन वन पैराग्राफ।